हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसकी उपस्थिति के बारे में। यानी कि दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले एक वीडियो मैंने बताया था कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है उपस्थिति बताया था, और दोस्तों आज मैं वापस से यहाँ पर दो चार जो सब्जेक्ट हो रहे हैं उनका मैं यहाँ पर आपको उपस्थिति बताने वाला हूँ। और दोस्तों उसमें साथ ही ये भी बताया जाएगा कि एक पद पर यहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन अब जो है रह गया है। यानी कि दोस्तों जो उपस्थित नहीं हुए थे कैंडिडेट उनको यहाँ पर निकालने के बाद में कुल कितने यहाँ पर जो है कंपटीशन बचा है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दोस्तों इससे आपका जो कट ऑफ का अनुमान है वो भी यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों इसमें आज आपको मैं सबसे पहले वही एक जो पेपर है वो दिखा देता हूँ जो आपको मैंने उसी दिन यानी कि जो पहले वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था। और दोस्तों ये वही कटिंग है, लेकिन दोस्तों आज इसमें जो आप यहाँ पर जो रेड मार्क देख रहे हो यानी कि दोस्तों इन सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर जो उपस्थिति है वो दिखाने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी जो फॉरम संख्या है यानी कि दोस्तों कुल आवेदन जो संख्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आरपीएससी में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, और जो पोस्टों की संख्या यानी कि पदों की संख्या है वो भी यहाँ पर बताई गई है। एक चीज़ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि पहले वाले वीडियो में यहाँ पर मैंने तीन पोस्टें बता रखी थी, यहाँ पर दोस्तों वो टाइपिंग एरर था। तो यहाँ पर अकाउंटेंट बिजनेस में यहाँ पर 86 पोस्टें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो गणित है, इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्लाइड आर्ट है, लाइब्रेरियन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, इनकी उपस्थिति के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ अखबार की कटिंग्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें पूरी जो उपस्थिति है कैंडिडेट की वो यहाँ पर बताई गई है, सभी जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं उन सारे सब्जेक्ट की। लेकिन दोस्तों इस कटिंग के अलावा मैंने यहाँ पर जो कुछ एनालिसिस है वो यहाँ पर किया है वो आपको मैं जो है अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो बैठे हैं उनकी है। यहाँ पर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी उपस्थिति यहाँ पर बताई गई है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पूरे विषय हैं उनमें कुल कितनी यहाँ पर उपस्थिति रही है और प्रतिस्पर्धा कितनी बची है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो गणित है, तो गणित में दोस्तों यहाँ पर 53 पोस्टें आई थी, और दोस्तों यहाँ पर जो फॉरम है वो 8209 फॉरम भरे गए थे, और दोस्तों बाद में फॉरम बचे थे यहाँ पर 7619। यानी कि दोस्तों जो आरपीएससी है उसने एक मौका दिया था कैंडिडेट को कि जिसके पास योग्यता नहीं है वो अपना फॉरम वापस ले सकता है। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट का जो है उनकी जो योग्यता है वो नहीं थी, उसकी वजह से भी उनका फॉरम रद्द हो गया था। उसके बाद में 7619 फॉरम यहाँ पर बचे थे, उनमें से दोस्तों लगभग 1797 कैंडिडेट ने मैथ में एग्ज़ाम दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इन पदों की संख्या को और उपस्थिति को अगर भाग देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल 24 जो कैंडिडेट हैं उनके मध्य यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धा रह गई है। वहीं दोस्तों जो अप्लाइड आर्ट है उसमें 5 पद थे, उसके लिए 170 फॉरम आए थे और बचे थे इसमें केवल 151। और दोस्तों 44 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है 5 पदों के मुकाबले में, उसमें दोस्तों अब 9 कैंडिडेट पर ही यहाँ पर जो कंपटीशन है वो रह गया है। ईएफएम में दोस्तों यहाँ पर 70 पद थे, तो 4085 पद फॉरम भरे गए थे यहाँ पर, और दोस्तों इसमें आवेदन बचे थे कुल 3947, बाकी कैंडिडेट ने वापस ले लिया था। और 1229 जो कैंडिडेट है उन्होंने यहाँ पर केवल एग्ज़ाम दिया है, और 18 जो कैंडिडेट है उनके मध्य यहाँ पर ईएफएम में जो है अब प्रतिस्पर्धा बची है यानी कि कॉम्पिटिशन बचा है। साथ ही दोस्तों लाइब्रेरियन में यहाँ पर 247 पद हैं और 11827 कैंडिडेट ने फॉरम भरा था, जिसमें से 10739 फॉरम ही यहाँ पर बचे थे। और दोस्तों एग्ज़ाम दिया है लगभग 2486 कैंडिडेट ने, इसमें दोस्तों जो है 11 कैंडिडेट के मध्य यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बचा हुआ है। और दोस्तों साथ ही जो अर्थशास्त्र है उसमें 103 पद यहाँ पर थे और 5311 फॉरम भरे गए थे, लेकिन इसमें 5106 कैंडिडेट ही बचे थे। और दोस्तों बुलाया गया था यहाँ पर इन कैंडिडेट को 5106 को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1588 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने पहुँचे, यानी कि 16 कैंडिडेट के मध्य ही यहाँ पर जो है कंपटीशन बचा हुआ है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो समाजशास्त्र है इसमें दोस्तों 80 पोस्टें थी और इनमें 4147 कैंडिडेट ने फॉरम भरा था, जिसमें से 4026 फॉरम ही यहाँ पर बचे थे। और दोस्तों 1162 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है कुल दोनों पारियों को बता रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, और 15 कैंडिडेट के मध्य यहाँ पर जो है अब कॉम्पिटिशन बचा है। वहीं दोस्तों जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 29 पोस्टें थी और 5305 फॉरम भरे गए थे, और 5151 जो कैंडिडेट है वही यहाँ पर बचे थे, यानी कि बाकी कैंडिडेट का फॉरम रद्द हो गया था या उन्होंने वापस उठा लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1209 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, और दोस्तों 42 कैंडिडेट के मध्य यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा अब इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों गणित के लिए है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें
पदों की संख्या यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, और दोस्तों जो फॉर्म भरे गए थे वो संख्या भी मैंने बताई है, और फॉर्म भरने के बाद में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म उठा लिया था और जिनका रद्द हो गया था उसके बाद में कितने फॉर्म बचे थे वो संख्या आपको यहाँ पर बता दी गई है। साथ ही दोस्तों उपस्थिति कितनी रही है वो भी यहाँ पर बताई गई है, और प्रतिस्पर्धा यानी कि कितने कैंडिडेट के मध्य यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो रहने वाला है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। इससे दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी एग्जाम हुआ है सभी पदों पर, यानी कि इनके अलावा जितने भी पद हैं तो उन सभी में कट ऑफ जो है पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाली है, और दोस्तों जल्दी उन पर भी जो है एक वीडियो आएगा जिसमें इनकी जो कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो आपको बताई जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के उन तक आप इनको शेयर करें।